जल संसाधन विभाग की उनकी निजी भूमियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वो जो अंतरण हुआ है इस संबंध में वहाँ के कृषकों के द्वारा ये हमारी पार्टी के पास ये आए थे और पार्टी को ये कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी निजी भूमियों को शासन ने जल संसाधन विभाग के नाम पर हस्तांतरण किया है। तो वो उन किसानों का ये कहना है कि ना ऐसा हमने कोई सहमति दिया है, बिना सहमति के वो भूमि का अंतरण शासन के नाम पर कर दिया गया। उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन पार्टी के द्वारा सौंपा गया। यदि भूमि वापस नहीं होती तो अगला कदम पार्टी का क्या होगा? वही कि आज ज्ञापन दे दिया गया है, अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या निर्णय लेते हैं बस हम उनका इंतज़ार करेंगे कि क्या उस पर निर्णय लेते हैं। किसानों की एक ऐसी सरकार है तो उसके लिए विचार कर सरकार इनकी भूमि वापस करे और किसान के हितों में कार्य करे, यही अपेक्षा के तहत हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। और जो आगे निर्णय आगे आएगा तो आने वाले समय में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। ये किसानों का जो जमीन अधिग्रहण किया गया है बिना किसानों का अनुमति लिया, तो पुनः ये जमीन को ये सरकारी में लिया गया है इसको पुनः वापस किया जाए, इसीलिए आज ये जनता यहाँ पर इनसे ज्ञापन सौंपने आए। किस चीज़ के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है? ये जो बांध कौन से गांव पे कहाँ पे बना? अंडई उमरिया गांव, खरमेर नदी वहाँ पर पड़ता है, खरमेर नदी है, वहीं अंडई और उमरिया के बीच में है, वहीं पर ये बांध बांधने का प्रक्रिया इनका चल रहा है। पर वहाँ का किसान हमें नहीं चाहिए बांध और ना ही हम जमीन देंगे, तो बिना अनुमति के ये अपने ज़मीन को जबरदस्ती अधिग्रहण किया है और अभी भी किसानों को मालूम नहीं है कि अपने ज़मीन अधिग्रहण में चला गया है। जब ये किसान वहाँ पर गया कुछ अपने कामों से कि अपने पट्टाओं में कुछ करवाने के लिए, जब मालूम चला कि हमारे ज़मीन ये सरकार बिना अनुमति के हमारी ये अधिग्रहण किया है।